No. इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में इजरायली सेना भीषण हमले कर रही है, लेकिन हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुछ ब्रिगेड इजरायली फौज पर पूरी ताकत से हमले कर रही है। यही नहीं, हमास इन हमलों का वीडियो बनाकर भी जारी कर रहा है, जिन्हें देखकर ये बात साफ हो जाती है कि इजरायली सेना के लिए गाजा में फतह हासिल करना इतना आसान नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत ये वीडियोस हैं, जिनमें अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सेना पर रॉकेट से हमला करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल तलल हवा के पड़ोस में अल कासिम ब्रिगेड ने IDF पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। तलल हवा में अल कासिम के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर जोरदार तरीके से बमबारी की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अल कासिम ब्रिगेड का लड़ाका एक घर की खिड़की से सामने से जा रहे IDF के टैंक पर रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्चर से हमला कर देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। इसके बाद इसी वीडियो में अल कासिम का एक लड़ाका पेड़ के नीचे छिपकर लॉन्चर से रॉकेट भर भर कर दागता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में हालात इतने खराब हो गए हैं कि इजरायली सेना के ताकतवर ड्रोन भी हमास के हमलों के आगे पस्त पड़े हैं। और अब इसी कड़ी में अलकुज ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इजरायली सेना का एयरक्राफ्ट नुमा ड्रोन गाजा में मंडरा रहा है, लेकिन तभी अलकुज के लड़ाके इस ड्रोन पर रॉकेट से निशाना साधते हैं। और रॉकेट फायर होने के कुछ ही सेकंड में इजरायल का ड्रोन पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरता है। इसके अलावा अलकुज ने एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो खान यूनिस शहर के पूर्वी अल कबीरा इलाके का है। यहाँ पर अलकुज ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना के टैंक और उसके जवानों पर भीषण हमले किए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुज के लड़ाके सामने से आ रहे इजरायली टैंक पर रॉकेट फायर कर देते हैं। और हमला करने से पहले ये लड़ाके मकान की बालकनी से टैंकों की रैकी करते हैं और इसके बाद नीचे मौजूद अलकुज के लड़ाके इस टैंक को रॉकेट से उड़ा देते हैं। इसके बाद अलकुज के कुछ लड़ाके जमीन में बारूद बिछाते हुए दिख रहे हैं। जहां ये बारूद बिछाया जा रहा है, वहां चारों तरफ हरियाली दिख रही है और इसी घास फूस में अलकुज के लड़ाके पतली पतली जालियों के साथ बारूद बिछा देते हैं।